जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। कत्यूरियों को लेकर एक वीडियो मैं पहले आपको दे चुका हूं। उसमें कत्यूरी कौन थे, कहां तक उनका राजवंश फैला था आदि आदि उसमें सब शामिल है। अब एक बात करते हैं कि कत्यूरियों की राजधानी चुरशीमठ थी, जो कि आज के चमोली जिले में है, और बाद में वे अपनी राजधानी कत्यूर घाटी ले गए, जो कि आज के कुमाऊं में है। अब सवाल यह है कि कत्यूर घाटी वे राजधानी क्यों ले गए, इसको लेकर विद्वानों में, इतिहासकारों में मतभेद हैं और कई तरह के उसमें कहानियां सामने आती हैं, जनश्रुतियां सामने आती हैं। सबसे पहले तो जो कारण है, जिसमें जनश्रुति से मैं शुरू करता हूं, इसमें ऐतिहासिकता बाद में लाऊंगा। बद्रीनाथ पांडे अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में लिखते हैं कि ये जो जोशीमठ से कत्यूर घाटी आने की कई कहानियां हैं। इसमें है कि राजा वसुदेव के कोई वंशधर शिकार खेलने गए थे, कुछ लोग इसे नरसिंह देव कहते हैं, तो वो खेलने गए थे तो घर में भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में आए। उनकी रानी ने उनका खूब आदर सत्कार किया, भोजन आदि किया और फिर भगवान नरसिंह राजा के पलंग पर लेट गए। राजा लौटकर आए और रनवास में अपने पलंग पर किसी अन्य पुरुष को लेटा हुआ देखकर अप्रसन्न हो गए और उन्होंने तलवार से उन पर वार कर दिया। परंतु वे यह देखकर अचंभित रह गए कि हाथ से दूध निकल पड़ा था, जबकि खून की जगह यानी दूध निकल पड़ा। तभी उन्होंने रानी से पूछा कि ये कौन है। रानी ने कहा कि वे कोई देवता है जो बड़े परहेज से भोजन कर पलंग पर सो गए थे। तब राजा ने नरसिंहदेव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने उस अपराध के लिए क्षमा मांगी और कहा कि उन्हें दंड दें या श्राप दें। ईश्वर भगवान ने कहा, मैं नरसिंह हूँ, तेरे दरबार में से प्रसन्न था, तेरे राजकार से प्रसन्न था और तेरे यहाँ आया था। अब इस अपराध का दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब तुम जोशीमठ से कत्यूर को चले जाओ और वहीं अपनी राजधानी होगी। और याद रखना, यह घाव मेरे मंदिर की मूर्ति में भी दिखाई देगा। यह मूर्ति जब टूट जाएगी तो तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। और ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे। ये कहते हैं कि जो जोशीमठ में नरसिंह भगवान का जो मूर्ति है, उसमें उनका एक हाथ दूसरे की तुलना में काफ़ी कमजोर दिखता है। एक कथा यह भी है कि भगवान शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जी कत्यूर राजा के यहाँ थे, और जबकि तब राजा वसुदेव विष्णुप्रयाग स्नान करने गए थे। यानी वासुदेव उनकी बात करें जो कत्यूरों के संस्थापक माने जाते हैं, जबकि कत्यूरों का जो असली संस्थापक है कत्यूर वंश का, उनको वसंत देव माना जाता है। वास्तव में ये कथाएं, ये जनश्रुतियां हैं, और आदिशंकर तो बस राजा वसुदेव के काल में नहीं आए, वो तो बाद में आए, लेकिन सत्यता यह है कि गढ़वाल में, चाँदपुर गढ़ी में पवार राजवंश उभरने लग गया था। वह बहुत शक्तिशाली होने लग गया था और इस कला से वे, या उनसे जो युद्ध होने लग गए होंगे, तो वे कत्यूर घाटी चले गए थे। यही मुख्य कारण माना जाता है। सवाल यह होता है कि वह किस कालखंड में राजधानी आई। इसमें अलग अलग तरह की कथाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नरसिंह देव अपनी राजधानी यहाँ लाए थे, और ये नरसिंह देव जो राजा थे, उनके ही जमाने में या उनके ही कालखंड में भगवान नरसिंह उनके घर में आए थे, उनके दरबार में। लेकिन संतन सिंह नेगी उनकी पुस्तक में हम देखें तो ये कहा जाता है कि कार्तिक के पूर्व यानी जोशीमठ से नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी लगभग सन 1000 के आसपास बैजनाथ में स्थापित की थी। लेकिन डोटी, अस्कोट, पाली की जो कत्यूरी वंशावलियाँ हैं, इसमें इस नरेश के नाम का उल्लेख ही नहीं मिलता है, और इसमें कार्तिकपुर के कत्यूरी नरेशों के नामावली भी नहीं मिलती है। और जो पहले की कत्यूरी राजवंश के जो राजाओं के नाम मिलते हैं भी, वे अलग अलग हैं। दूसरी तरफ कुछ विद्वान मानते हैं कि राजधानी को अशांति देव कत्यूर घाटी लाए थे, इसलिए इस बारे में यह ठोस तथ्यों के साथ यह नहीं कह सकते कि कौन सा राजा राजधानी को जोशीमठ से कत्यूर घाटी लाया था। जो भी हो, यह तो सत्य है कि राजधानी कत्यूर घाटी लाई गई।
कहा जाता है कि कतियुगी राजाओं ने गोमती नदी के किनारे बैजनाथ गांव के पास महादेव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय के नाम से कार्तिकेयपुर बसाया। एक ये भी कथा कही जाती है। उस जगह नाम पहले करबीरपुर था और ये गढ़वाल से इधर आए थे, जो आज का गढ़वाल है। तब हालांकि तब गढ़वाल कुमाऊं का स्तर कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये बद्रीनाथ पांडे अपनी पुस्तक में लिखते हैं। कथियुरों ने वहाँ अपने इष्ट देव स्वामी कार्तिकेय का मंदिर बनाया। वहाँ नौले या तालाब, बाजार, हाट आदि बनवाए और तैली हाट व सेली हाट दो बाजार भी बनाए थे। कतियुरी क्षेत्र में कतियुरी राजवंश चलता गया और उन्होंने उस घाटी का नाम कथियुर घाटी रख दिया। हालांकि अस्कोट के जो कतियुरी राजवंश के थे वे कहते थे कि वे अयोध्या से आए थे और सूर्यवंशी हैं। अब वे कतियुर में बसे और वहाँ से सभी जगह फैले और इससे ये खानदान जो है, ये वंश जो है, कतियुरी कहलाया। हालांकि अटकिंसन जो है, पहले ही मैं जैसे पहली वीडियो में कह चुका हूँ कि कतियुरियों को काबुल व कश्मीर के निरपति तुरुक्ष खानदान से मानते हैं और राजपूत कटूरी या कटौर कहलाते थे और कश्मीर के तीसरे तुरुक्ष खानदान के राजा के नाम भी वासुदेव था और वे भी इसी यहाँ के जो वासुदेव इनकम कतियुरियों के प्रथम पुरुष माने जाते हैं, उनको माना एक ही मान लेते हैं। और ये भी कहते कि जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अफगानिस्तान से लेकर और सिक्किम तक इस कतियुरी राजवंश का और मैदानों की तरफ भी इनका रोहिलखंड तक, ये कहते इतना बड़ा शासन था। हालांकि इतिहास के तौर पर बहुत कम प्रमाण इसके मिलते हैं। कतियुरी ने लगभग 300 साल तक उत्तराखंड में शासन किया, ये जोशीमठ और कतियुर घाटी से। कतियुर घाटी में उनका राजधानी आजानजनी के बाद यह कह सकते हैं कि सोमेश्वर, बागेश्वर, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, चंपावत आदि के सभी क्षेत्र इससे मिलते जुलते थे। और यह है कि इनका जो शासन था, जो कि आज का कुमाऊं और डोटी जो नेपाल का है और केदार खंड यानी जो गढ़वाल है आज का, उसके जो थोड़ा बहुत इनका क्षेत्र बस गया था, यहाँ से वे राज करते रहे। यहाँ से राज करना उनको आसान लग रहा था, इसलिए वे राजधानी यहाँ ले आए थे। जहाँ तक आदिशंकर की बात है तो आदिशंकर को लेकर कहा जाता है कि वे भूदेव के समय उत्तराखंड आए थे और भूदेव जो है वो निम्बर वंश से माने जाते हैं। निम्बर वंश में इष्टगण देव के पुत्र हुए थे ललित सूर कतियुरी और उनके पुत्र थे ये जो भूदेव। तो ये कहना कि जो मैं वो जो वहाँ राजनिवास में शंकर जी भगवान आए थे आदिशंकर, वो गलत है, बिल्कुल उसमें कोई तथ्य है नहीं। ये सब जनश्रुतियों में लोगों ने उसको मिला दिया गया था। यह कथा जरूर है कि हो सकता है कि जो नरसिंह नागपंथी जो साधु हैं वो उनका कतियुरियों पर प्रभाव रहा होगा और उन राजा ने उनको अपनी पूरी जो संपत्ति उनको दे दी होगी और वे कतियुर घाटी आ गए होंगे, यह भी इसका एक कारण हो सकता है। उत्तराखंड में जो अधिकतर मंदिरों की बात है, वो कहा जाता है कि कतियुरी शासकों ने ही बनाए थे और इसमें जोशीमठ का बसदेव मंदिर, बद्रीनाथ मार्ग के कई और मंदिर, इसके लकलेश मंदिर, महिषासुर मंदिर, मर्दिनी मंदिर, जागेश्वर का नव दुर्गा मंदिर, बैजनाथ और बागेश्वर के मंदिर, इस तरह के कई मंदिर हैं। इसी तरह कटारमल का सूर्य मंदिर भी कतियुरियों ने ही बनाया था। जो ये कतियुरी आए थे, कतियुरियों के जो देवता थे, इष्ट देवता हुए थे भगवान शंकर और माँ पार्वती के पहले पुत्र कार्तिकेय, उन्हीं के नाम पर जो कार्तिकपुर बसाया गया था यह कहा जाता है। लेकिन उनकी जो कुल देवी थी वो झाली वाली देवी, कहा जाता है कि उनकी इष्ट देवी थी और झाली देवी, झाली वाली देवी के ही उनके सानिध्य में ही उन्होंने यह नई राजधानी बसाई थी। हालांकि चंपावत की जो चंपावती देवी है उनको भी कतियुरियों व चंद शासों के कुल देवी माना जाता है। प्रसिद्ध जो राजूला मालुशाही की जो प्रेम कथा है उसमें जो मालुशाही हैं वे भी इसी कतियुरी राजवंश के माने जाते हैं। इसके अलावा जो प्रसिद्ध जिया रानी जिन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं से टक्कर ली थी वो भी कतियुरी राजवंश की थी। जागरों में जो धामदेव और वीरमदेव या ब्रह्मदेव की गाथाएं सुनी जाती हैं वे भी इसी वंश से थे। तो यह थी कतियुरियों के अपनी राजधानी जोशीमठ से कतियुर घाटी लाने की गाथा। आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। यह एक मिशन है और इस मिशन का हिस्सा जुड़िए, आपसे आग्रह है। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत,
सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह चैनल लाया गया है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक जय हिमालय, जय भारत।